नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। सीतापुर में दिल दहला देने वाली वारदात, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से हड़कंप। युवक ने मां, पत्नी और बच्चों की निर्मम हत्या की। मां की गोली मारकर, पत्नी की हथौड़े से मारकर हत्या। 3 बच्चों को युवक ने छत से फेंका, 3 की मौत। परिवार को खत्म कर खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से हड़कंप। नशेड़ी युवक ने पूरे परिवार को खत्म किया। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के पल्हापुर गांव की एक घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीतापुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। थाना रामपुर मथुरा के अंतर्गत ग्राम पालापुर से आज सुबह पुलिस को यह जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसका नाम अनुराग सिंह, उम्र 45 वर्ष बताया जा रहा है, इसके द्वारा अपने परिवार के 5 सदस्यों की हत्या करके स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। मौके से जब पुलिस के द्वारा जाँच की गई तो वहाँ पर इनकी माता सावित्री देवी, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष, पत्नी जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष व 3 बच्चे जिनकी उम्र क्रमशः 12, 9 और 6 वर्ष की है, इनको इन्होंने मारा है। उसके पश्चात खुद को मारा है। तो सीतापुर से ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। युवक ने मां, पत्नी और बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। मां की गोली मारकर, पत्नी की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी और 3 बच्चों को युवक ने छत से फेंका। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ये जो वारदात सामने आई है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या बताया जा रहा है, नशेड़ी था युवक या फिर मानसिक तौर पर बीमार था? क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, आपको बता दें, पूरा मामला जो है रामपुर मथुरा का बताया जा रहा है, जहां पर एक अनुराग सिंह नाम का व्यक्ति है, इसने जो पहले तो अपने 3 बच्चों को छत से फेंक देता है, इसके बाद अपनी माँ को जो हथौड़े से वार करके उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर देता है, पत्नी को गोली मारने के बाद स्वयं उसने गोली मार लेती है। लोगों के द्वारा यही बताया जा रहा है कि ये नशे का आदी था और मानसिक रूप से ये परेशान रहता था, जिसके बाद इसने इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया है। और चंद मिनटों में पूरा एक परिवार तबाह हो जाता है। ये सुबह की घटना होती है, इसके बाद सीओ और इंस्पेक्टर सहित तमाम पुलिस बल जो है और फॉरेंसिक की टीम जो है मौके पे पहुंचती है और पूरी जानकारी वहां के लोगों से लेती है। जी, क्या वजह बताई जा रही है? क्या घर में कोई कलह कलेश भी हुआ था जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया? देखिए, जो वहां पे लोगों से जो बात की गई है तो उन्होंने साफ तौर से यही बताया है कि नशे का आदि था और इसके ऊपर कर्ज भी था, काफी दिनों से परेशान चल रहा था, जिसके बाद घर में जब नशे करके आता था वहां पे माँ और पत्नी के द्वारा जो है बात कही जाती थी कि इस तरीके से आप परेशान भी रहते हैं और नशा भी करते हैं, आखिर परिवार किस तरीके से चलेगा, जिसके बाद ये गुस्सा होकर के रात में ये घर पे रहता है और सुबह इस घटना को अंजाम देता है, जब परिवार के लोग जब सो रहे होते हैं। जी, पुलिस ने अब इस मामले में क्या कहा है? अजय, देखिए, पुलिस अधीक्षक जो है चक्रेश मिश्र ने जो है अपने बयान भी दिए हैं और मौके पे सीओ और जो भी टीम है वहां पे पूरी जानकारी हासिल कर रही है और जैसा कोई मामला वहां पे इस तरीके से कोई जांच में आता है, उसका पता चलता है, उसके बाद ये पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजय जुड़े हुए थे। तो ये सनसनीखेज मामला सीतापुर से सामने आया है, जहाँ एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत के मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। युवक ने अपनी मां, पत्नी और 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। मां को गोली मार दी, पत्नी को हथौड़े मार कर उसकी हत्या को अंजाम दिया, इसके बाद 3 बच्चों को छत से फेंक दिया और खुद भी गोली मार कर आत्महत्या कर ली है। 6 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। नशे का आदि बताया जा रहा था ये युवक। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।